हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में हमने दो मेथड कर लिए हैं। नाउ इस लेक्चर में हम थर्ड मेथड करेंगे। थर्ड मेथड का नाम है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दो मेथड में हमने क्या किया था, सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला मेथड था हमारा वेरिएबल ऑफ सेपरेशन मेथड। वेरिएबल ऑफ सेपरेशन मेथड मतलब दो वेरिएबल, उनको हम अलग अलग करके उनका इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। सेकंड मेथड था कि रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, कि हमें कोई कर्व दे, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई होगी, उसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कन्वर्ट करके उसका कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको अलग अलग कर लेंगे वेरिएबल को, फिर उसका इंटीग्रेट करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन का हल निकालेंगे। थर्ड मेथड है हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। एन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इट्स सेड टू बी होमोजीनियस। ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाएगी, जब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एफ वाई अपॉन एक्स, ये फॉर्म होती है हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये सिमिलर रहना चाहिए, वाई अपॉन एक्स इधर डी वाई अपॉन डी एक्स है तो इधर वाई अपॉन एक्स होना चाहिए, अगर इधर डी एक्स अपॉन डी वाई है तो इधर एक्स अपॉन वाई होना चाहिए। ये बात हमें ध्यान रखनी है, उल्टा नहीं होगा कि वाई अपॉन एक्स है तो इधर एक्स अपॉन वाई आ रहा है और इधर x अपॉन वाई है तो इधर y अपॉन एक्स आ रहा है। तो सिमिलर रहना चाहिए, y अपॉन एक्स है तो y अपॉन एक्स, x अपॉन वाई है तो x अपॉन वाई। डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की होती है। वर्किंग मेथड देखते हैं कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई होगी और हमें उसको सबसे पहले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद कुछ इस फॉर्म की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। उसके आने के बाद हमें क्या करना होगा, वाई पुट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वी। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है कि वाई अपॉन एक्स, क्योंकि हम वाई अपॉन एक्स की टर्म्स बनाएंगे जो कि, तो वाई अपॉन एक्स को हमें पुट करना है वी। वी पुट करने के बाद वाई इक्वल टू वी एक्स आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो इतना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ये भी हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना होगा। हमें करना क्या है, यहाँ होमोजीनियस इक्वेशन कौन से वेरिएबल होंगे, x और y वेरिएबल होंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्या करें, y अपॉन एक्स इक्वल वी पुट करें तो आगे यहाँ पर आके हमें कौन कौन से वेरिएबल लेने होंगे, आगे जाके v और x वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, v और x वाली टर्म रख देंगे, तो अपने आप इक्वेशन किस में आ जाएगी, v और x वेरिएबल में। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज किया, इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की तो क्या आया, एक्स डी वी वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पुट करेंगे इक्वल टू वाई अपॉन एक्स की जगह एफ वी। फिर जैसे हमने फर्स्ट मेथड में किए थे, सेकंड मेथड में किए थे कि वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, तो हम यहाँ वेरिएबल सेपरेट कर चुके हैं कि वी वी वाले वेरिएबल इधर, एक्स एक्स वाले उधर। उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद ये जो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास हल क्या आएगा, कौन कौन से वेरिएबल में आएगा, एक्स और वी वेरिएबल में। एक्स और वी वेरिएबल में आएगा तो हमने जहाँ यहाँ वी पुट किया वाई अपॉन एक्स, तो वी की जगह हम वाई अपॉन एक्स पुट कर देंगे, तो हल हमारा आ जाएगा वाई और एक्स वेरिएबल में। अब क्वेश्चन लेंगे तो समझ आ जाएगा कि कैसे 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 करना है, बस यही मेथड अप्लाई करना है, तो क्वेश्चन अपने आप होते जाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन लिख दिया गया, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथड फर्स्ट को देखेंगे कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वेरिएबल सेपरेट कभी नहीं होंगे इसमें। सेकंड मेथड, एक्स प्लस वाई को हम एक साथ पुट सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, तो मेथड कौन सा बचा, तीसरा जो हम आज कर, जिसका वर्किंग मेथड अभी हमने किया है कि कैसे करना है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वर्किंग मेथड अप्लाई करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करें, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स को मान लिया सबसे पहले, ये एक्स इधर है वाई माइनस एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स वाई प्लस एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। अब इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स वाई अपॉन एक्स की फॉर्म कैसे बन पाएगी, जब हम इसमें से एक्स को मान लेंगे, एक्स को मान लेते क्या आएगा, वाई अपॉन एक्स माइनस वन
अपॉन में x कॉमन लेंगे नीचे, फिर y अपॉन x प्लस 1, x से x कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल y अपॉन x माइनस 1 अपॉन y अपॉन x प्लस 1। ये जो हमारी फॉर्म बनी है ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे वर्किंग मेथड में हमें क्या करना है, पुट y अपॉन x इक्वल v, y इक्वल टू वी एक्स, वेरिएबल को किस किस में कन्वर्ट करना है, v और x में। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx इक्वल v प्लस x dv अपॉन dx, u डॉट v से किया डेरिवेटिव, dy अपॉन dx की जगह ये वैल्यू रखेंगे v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल y अपॉन x v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। किया हमने क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई हमें, हमने उसको कैसे ना कैसे होमोजीनियस, सबसे पहले हमने क्या किया, मेथड अप्लाई किया फर्स्ट, सेकंड क्या, थर्ड में जाके पार पड़ी कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर लिया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, उसके बाद वर्किंग मेथड अप्लाई किया, वाई अपॉन एक्स को वी पुट किया, वी पुट करने के बाद इसका अब हम वी पुट करके हम क्या करें, इस इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन के वेरिएबल को वी और एक्स वेरिएबल में चेंज करें। तो जैसा कि अब वी और एक्स वेरिएबल में चेंज हो गई, वाई वेरिएबल यहाँ से खत्म हो गया। तो अब क्या करना है, एक्स dv अपॉन dx इक्वल v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1, v इधर है तो माइनस का v, x dy dv अपॉन dx इक्वल v माइनस 1 माइनस v स्क्वायर माइनस v अपॉन v प्लस 1, v प्लस 1 x dv अपॉन dx इक्वल माइनस v से प्लस v कैंसिल माइनस का v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v प्लस 1। अब ये उधर जाएगा वी वी के एक साइड, एक्स एक्स के एक साइड, मेथड फर्स्ट अप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो ये वैल्यू पलट जाएगी, वी प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, डी वी इक्वल माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब कर देंगे जैसे हम हमेशा करते हैं बोथ साइड इंटीग्रेट, वी प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन, अलग अलग कर लेंगे इसको, वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन डी वी प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन डी वी इक्वल माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन। अगर हम वी स्क्वायर प्लस वन को जेड पुट करें, पुट वी स्क्वायर प्लस वन को जेड पुट करेंगे तो दो वी डी वी इक्वल डी जेड, वी डी वी इक्वल डी जेड बाय टू। तो इसको कैसे लिखेंगे, वी स्क्वायर प्लस वन तो जेड है हमारा, वी डी वी ऐसे आसान इंटीग्रेशन है ये तो आपको आते होंगे, जैसे मैंने यहाँ पुट कर लिया वी स्क्वायर प्लस वन, बस अपना दिमाग लगाना है कैसे न कैसे इंटीग्रेशन को पार लगाना है कि इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए, जैसे कोई भी टर्म दे दी गई होगी इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए, बस एक बटा दो डी जेड बटा जेड प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन, फॉर्मूला बन रहा है एक बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो वन ए क्या है यहाँ पे वन, तो टेन इनवर्स वी, सीधा tan इनवर्स v इक्वल ये होता है माइनस log x प्लस सी, डी जेड अपॉन जेड का एक बटा दो log z प्लस tan इनवर्स v, tan इनवर्स v इक्वल माइनस log x प्लस सी, log z की वैल्यू, log z की वैल्यू है v स्क्वायर प्लस वन प्लस tan इनवर्स v इक्वल माइनस log x प्लस सी। वाई और x में हमें हल निकालना है तो v की वैल्यू क्या पुट करेंगे, y अपॉन x जो पहले हमने मानी थी, लोग y अपॉन x की होली स्क्वायर प्लस वन प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x इक्वल माइनस log x प्लस सी, ये हमारा हल निकल गया। इतना हल निकल गया, हमने क्या किया इस इक्वेशन में, तो हमने dy अपॉन dx और y अपॉन x वाले होमोजीनियस फॉर्म बनाई थी, अब हम dx अपॉन dy और x अपॉन y वाला क्वेश्चन कर लेंगे तो दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन x अपॉन y, ये क्वेश्चन दे दिया सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, x अपॉन y है, मतलब हमें टर्म बनानी होगी dx अपॉन dy, क्योंकि इधर x अपॉन y होगा उधर x अपॉन y होगा तभी हम x अपॉन y को v पुट कर पाएंगे। तो x अपॉन y की टर्म बनाते हैं, वन प्लस e की पावर x अपॉन y dx इक्वल ये उधर जाएगा माइनस e की पावर x अपॉन y वन माइनस x अपॉन y dy, dx अपॉन dy क्या निकलेगा हमारा, माइनस dx अपॉन dy माइनस e की पावर x अपॉन y वन माइनस x अपॉन y
अपॉन में 1 प्लस e की पावर x अपॉन y। अब इसको हम पुट करेंगे, पुट y x अपॉन y, x अपॉन y को v, क्योंकि इधर भी dx अपॉन dy है। अगर इधर dy अपॉन dx होता तो हमें फिर यहाँ पे y अपॉन x को पुट करना पड़ता, लेकिन हम अब y अपॉन x पुट नहीं करेंगे क्योंकि इधर सिमिलर है। सिमिलर कैसे कि dx अपॉन dy इक्वल x अपॉन y वाला। अब x अपॉन y को v पुट कर दिया, उसके बाद x इक्वल टू vy, इस बार डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट होगा, y के रिस्पेक्ट। dx अपॉन dy इक्वल टू v प्लस y dv अपॉन dy। तो v प्लस dv अपॉन dy, एक मिनट, v प्लस y dv अपॉन dy इक्वल टू, ये dx अपॉन dy की टर्म है, इक्वल टू माइनस e की पावर v 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। इतना किया, फिर v उधर जाएगा, y dv अपॉन dy इक्वल माइनस e की पावर v 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस e की पावर v माइनस v। y dv अपॉन dy इक्वल माइनस e की v प्लस v e की पावर v माइनस v e की पावर v, ये कैंसिल हुआ, अपॉन 1 प्लस e की पावर वी। वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस e की पावर वी, वी प्लस e की पावर वी, माइनस कॉमन लिया, अपॉन 1 प्लस e की पावर वी। उसके बाद क्या करेंगे, v वाली टर्म्स को उधर लेके जाएंगे तो वैल्यू पलट जाएगी 1 प्लस e की पावर वी। सेम वैसे का वैसा ही वर्किंग मेथड है, हर क्वेश्चन पे वैसे ही अप्लाई होना है। बस हमें पहले ये पहचानना है कि क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है, बन सकती है तो हमें वर्किंग मेथड लगाना है और सॉल्यूशन निकाल देना है। अगर नहीं बन सकती तो कोई और मेथड अप्लाई हो जाएगा, लेकिन मेथड सारे अप्लाई होंगे। v प्लस e की पावर v डी वी इक्वल माइनस 1 अपॉन y डी वाई। अब क्या करना है, v प्लस e की पावर v को अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो अब क्या करें, पुट v प्लस, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम नीचे वाली टर्म को जेड पुट करेंगे, जेड पुट करेंगे तो v के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस e की पावर v डी वी इक्वल टू डी जेड। अब 1 प्लस e की पावर v डी वी को डी जेड रख सकते हैं, डी जेड रखेंगे तो डी जेड अपॉन जेड, ये जेड हमने पुट किया है, इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y, माइनस log y प्लस log c। अब डी जेड अपॉन जेड लोग जेड इक्वल माइनस लोग, अब इसको क्या लिखेंगे, लोग सी अपॉन वाई, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लोग एम अपॉन एन इक्वल लोग एम माइनस लोग एन। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लोग जेड, जेड की वैल्यू, लोग वी प्लस ई की पावर वी इक्वल लोग सी अपॉन वाई, वी की वैल्यू रखेंगे लोग, वी की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन वाई प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई इक्वल लोग सी अपॉन वाई। यहाँ लोग से लोग कैंसिल हो जाएगा तो हमारा लास्ट सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स अपॉन वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई की इक्वल टू सी अपॉन वाई, यही सॉल्यूशन निकला है हमारा। तो हमने एक क्वेश्चन कर लिया y अपॉन x वाला, एक कर लिया x अपॉन y वाला। तो इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तो सब के सब क्वेश्चन हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।